के विधायक हैं, नेता हैं, उन पर जुल्म अत्याचार और अन्याय करने का काम कर रही है। सर आपसे पहले शिवपाल जी आगे चले गए, कहीं सपा ने देर तो नहीं कर दी आने में? नहीं, हम लोग पहले भी उनसे मिले हैं और दो बार कोरोना काल में उनको कोरोना हुआ और वो लखनऊ में भर्ती रहे आईसीयू में, तब भी हम लोग उनसे वहां मिलने के लिए गए। लगातार हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आजम खान साहब को जेल से रिहा किया जाए। इतनी खराब हालत होने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी सरकार ने उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा रखे हैं और 26 महीने से अधिक समय से आजम खान साहब जेल के अंदर बंद हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि दमन, जुल्म और तानाशाही से जनता की आवाज दबाई जाए। विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का ये सरकार काम कर रही है और लगातार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये सरकार काम कर रही है। आपने देखा कि कैसे बरेली में सपा के एक विधायक का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया, शाहजहांपुर में एक सपा के विधायक का मकान गिरा दिया गया और ऐसे ही पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दमन, जुल्म, अन्याय और तानाशाही से काम कर रही है। लगता है प्रदेश में अघोषित रूप से आपातकाल लगा हुआ है। हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, आजम खान साहब और हम आपातकाल में 20 महीने लगातार जेल के अंदर बंद रहे थे। उस समय 20 महीने में रहे थे, आज 26 महीने से आजम खान जेल के अंदर बंद हैं। तो लगता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। सर, और प्रदेश एक चीज ये है, आज जेल से रिहा हुए एक बाबा बजरंग मुनि, उन्होंने आजम खान और सीओ सिटी पर 2 करोड़ रुपए लेकर उनकी हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, भारतीय जनता वो जानते हैं कि किस तरीके का बयान देते हैं और हम लोगों को शंका ये है कि आजम खान साहब की कहीं जेल भर्ती ना कर दी जाए। और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुर्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आजम खान बीजेपी के नजदीक जा रहे हैं? नहीं, आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, अभी चुनाव विधानसभा के हुए वो जेल के अंदर बंद रह करके यहाँ पर चुनाव जीतने का उन्होंने काम किया है। और अखिलेश यादव जी उनके चुनाव क्षेत्र में उनके लिए वोट मांगने के लिए गए थे, हम लोगों को मिलने का टाइम दिया है। हमने परसों आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं, देखिए आजम खान साहब जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो समाजवादी पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन करने का काम। आजम खान के जो मीडिया प्रभारी हैं उन्होंने अखिलेश यादव पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों के कपड़े से अखिलेश यादव को बदबू आने लगी है। देखिए, ऐसा बिल्कुल गलत बात है। अखिलेश यादव जी ने ही तो हम लोगों को भेजा है कि यहाँ पर आजम खान साहब से मिलने के लिए। अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ऊपर जो लगातार उत्पीड़न, दमन, जुल्म, अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ वैसे ही कुछ विधायक गिर गए हैं बरेली, जहाँ पर एक विधायक का पेट्रोल गिरा दिया गया है। कुछ विधायक गए हैं शाहजहांपुर में और कुछ विधायक गए हैं प्रयागराज में, जहाँ एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार 5-5 लोगों की एक साथ एक परिवार की हत्या हो गई है। तो पूरे प्रदेश में अपराधी, गुंडा, माफिया, जंगल राज कायम हो गया है। और अखिलेश यादव जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का। सर, एक बार ये है कि अगर आजम खान से आपकी मुलाकात होती है अंदर, तो जो उनके ऊपर हत्या करवाने का आरोप लगाया गया है, इस पर मेरा निवेदन है कि आप जरा बात जरूर बिल्कुल बात करेंगे उनसे।